तो फाइनली गाइज आई एम रेडी फॉर ईद। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और मैं जो है घर वालों को ईद बोलूँगा नमाज पढ़ने के बाद। और आज जो है हर कोई मुझे बोल रहा है मैं कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ, तो इसके लिए माना ज़्यादा अच्छा हो गया। घर के अंदर जो है अभी सबसे हम तीन तैयार हैं, हम तीनों नमाज के लिए जा रहे हैं। लेडीज़ जो हमारी बाद में तैयार होगी और आके मुझे जो है पहले नमाज, उसके बाद कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के बाद दोस्तों से थोड़ा तस्वीर वसीर खींचना, फिर घर आना, फिर घर की वीडियोज़ बनाने। ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं, तो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, आ जाए। नमाज पढ़ के आ चुके हैं माशाल्लाह हमारे सारे मौलाना, हम लोग ने सबसे ईद मिल ली है, हुसैन भाई, अनस भाई, हम लोग सारे अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद कब्रिस्तान निकलेंगे। हम मौलाना था हमारा, याद है चलता हुआ कि मैंने वाला पहली वीडियो, यहाँ जो है सारे अभी खड़े हुए हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं होटल में। ये हमारे बाबू भाई है सबसे ज्यादा, ब्लैक पे व्हाइट फुल VIP, होटल इनका ही है उनका। आज इस बंदे ने इससे रकेटी करवाई है जानबूझ के, खुद खाली की है। मैंने रिपोर्ट दी हुई थी साहब, 20,000 की चप्पल दिखा, 20,000 की चप्पल दिखा भाई। मैं मोबाइल निकाल के रखाऊंगा, मेरे साथ ना हो जाए, मैं मजाक बना रहा हूँ। गए थे अब नानी की कब्र सो के सीधा घर जा रहे हैं, दोनों कब्रिस्तान में हो लिया, घर जाके आप लोग को आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अभी जो है सारे काम करके मैं घर पे आ चुका हूँ, और अलीना को 100 रुपये दे रहा हूँ तो नहीं ले रही है, ये मतलब पूरा कार्टून बन गई है आज, पूरा कार्टून जिसे कहते हैं ना। अभी हम लोग सबसे पहले मानो शीर कौरमा खा रहे हैं, अम्मी मुझे भी शीर कौरमा दे रही है, अम्मी के हम लोग नाते साथ ही हाथ पैर छूमे सब किए, सबसे पहले हमारा यही है भाई। और अब अम्मी खीर शीर कौरमा देगी अम्मी को, मानो को, अलीना को, सबको दे दूँ मैं, और फिर फारिग हो जाऊँ। मेरा शीर कौरमा आ गया, शीर कौरमा खाऊँ पहले तो मैं। ईदी तो ईदी, 1,000 हो 5,000 हो जितनी भी हो, तो लिफाफे में डाल के देगा, लिफाफे में डाल दूंगा, फिर लिफाफे में डालो तो ये मानो की ईदी मेरी तो बेस बापन दे उसको दे रहे आपको, लिफाफे में दूंगा ना डाल के, आपको इसको छुपा के दूंगा इधर, ये ले। ये अभी ये सारी जो ईदी है ना, ये सारी जो ईदी है, ये मेरी बीवी बोल रही है ये नहीं वो 1,100 वाली गड्डी भी दो, ये देखो रेडी हो गया पूरा कार्टून बनी हुई है, कार्टून मुझे बहुत प्यारी लग रही है कार्टून आज, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अभी जो है क्या फ़ायदा था तैयार होने का यार, हम लोग तो कब्रिस्तान है जगह, क्या कब सोना पड़ेगा, सो के उसे। मैडम गोल्डन बालों में भी अच्छी लग रही है, शीर खुरमा खाई जा रही है, मुझे खिलाओ, मियाँ को खिलाते हैं, खा लिया मैम, ये दो प्लेटें खा चुकी है, और ये पूरी पूरी ईदी जो है ना ये अलीना की है, देख सकते हैं आप लोग, ये लो बेगम को ईदी दे दी, खुश हो, हाथ तो चूमा नहीं मेरा, चल दी, गुड 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 गुड, गोल्डन बाल गुड। तो दोस्तों अभी बहुत थक गया यार, पूरा घर सोया हुआ है, हम लोग भी सोते उठे, फिर आगे का लोग सो के उठने के बाद कंटिन्यू करेंगे साथ में। पहले दोस्तों अभी जो है सुबह हो चुकी है, फुल नींद से मुझे घर वालों ने उठाया, घर वाले कब से उठे हुए थे, मुझे डांटा है कि ईद सोने के लिए होती है, फिर मैं उठाऊँ अलीना और मैं, और अभी उठते साथ ही हम लोग घर वालों ने क्या दे दिया, सबसे पहला हमारा फेवरेट डिश ईद की बिरयानी, बिरयानी हम दोनों खा लें पहले, और बिरयानी खाने के बाद आप लोग से आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी चाय बनवाई है मैंने अलीना की सिस्टर से, वो चाय पीऊँ मैं सुकून से, फिर मेरा सर दिमाग सेट होगा, फिर आगे आप ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो साथ तो कार्टून ने मैं कार्टून को आइसक्रीम खाने के लिए लेके जा रहा था, ये सबके घर से ईदी जमा करके, अभी ईदी जमा करने के बाद ही मुझे लूट रही है, मेरे से कितनी मिली, झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं, 1500
कम है। और एक और क्या चीज़ पंद्रह सौ में क्या होता है? और एक और ईदी में एक और क्या चीज़ है आपको जो वादा किया है? ईद के चौथे दिन गोल्ड की मैंने और पिज्जा जो अभी पिज्जा खिला रहा हूँ वो कल जो मैंने लेके जाऊँगा वही। रास्ते में किसने मुझे आवाज़ दी? पीछे बंदा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ बंदा। वो बंदे ने मुझे पहली बार जान लिया, नाम भी मेरा खुद ही लिख के उसने क्या बोलते काट दिया और अच्छी डील मुझे दे दी उसने खुद ही डिस्काउंट के ऊपर। ये होता है वीडियो बनाने के फायदे, दिखाता हूँ आप लोगों को। कौन है? रुको, डोमिनोज पे गए, खाली हो गया डोमिनोज यार, अभी काउंटर पर आएगा ये वाला बंदा, आएगा तो मैं दिखाता हूँ। डोमिनोज पे आज ब्लॉग करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी ब्लॉग करने के लिए कुछ नहीं। ये जो भाई है जो जा रहे हैं वो जब मैं कैमरा लाता हूँ घूम जाते हैं तो पिज्जा आज इसके बाद आ गया। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है सारे आ चुके हैं पिज्जा डोमिनोज का, तो चेक करते हैं क्या फ्लेवर है और क्या चीज़ है। मानो साहब ने तो पहले खोलना स्टीकर बनाने शुरू कर दिए, तो मैं आप लोगों को खोल गया। ओह तबाही चीज़ी खाली ना, सबर इंसानों की तरह वीआईपी हो गया यार, बंदे ने खुद आके सर्वे करना लेना पड़ता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है लोगों सबर ही नहीं होता, वो स्टीकर बना रहे हैं एक खाने में लगा हुआ है और मैं बेचारा इधर वीडियो बना रहा हूँ अपने ब्लॉग की। यानी ना ये डाली जा रही है चिल्ली, शान की चिल्ली फ्लेक्स इसके अंदर, और मेरे को अपने भाई ब्लॉग की पड़ी है तो मैं कम खाऊंगा भाई, ब्लॉग करना है तो ये लोग खाना शुरू करो। चलो भाई स्टार्ट, आप लोग के लिए स्टार्ट है, मैं बता रहा हूं मेरी गैजेट पे भी नजर नहीं रखी। खाना शुरू करो सारे जल्दी जल्दी, मैं इन लोग को देखता हूं और वीडियोज वगैरह बनाता हूं। अब ये और मानो इतना लड़ेंगे ना, देखो दोनों को, दोनों को देखो आराम से यार, ये ना बात तोड़ ही रहा है कहीं, ये भाग रहा है कहीं, खा जा देखते नहीं है, खाने पीने वाले बाहर भागने के लिए आ जाते हैं। ईदी भी दे दी, सब दे दी, अभी बाहर खड़ा हुआ है कि मैं जैसे ही गेट से यहाँ से बाहर निकलू ना इसके आगे 50 का नोट दूँ। सबर बेटा, एक तो 20 रुपए की बोतल मिल जाएगी, बाहर जाके किसी से पानी, ये नहीं बोलना है घर में भाई अम्मी भी है और वो भी है सबके लिए दे दो पैसे, मैं एक को ही दूंगा खाली, यहाँ आ रहा हूँ मैं तब। आवाज इसको आ रही दिया जो है मम्मा के लिए लेकर आई हूँ मैं, गजरा लीना के लिए, मम्मा के लिए दोनों के लिए लिए। और देखिए मैंने बोला मैं माँ के साथ खाऊंगा, अम्मी नहीं आई थी मेहमान की वजह से, तो वास्ता फरुल्ला मैंने वहाँ नहीं खाया, अम्मी यहाँ पे खाऊंगा मैं, ये खा लूँ उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करता हूँ आज का व्लॉग। दोस्तों आते हुए हम लोगों ने ना सबसे पहले जो रोड पे हम लोगों ने लिए गजरे अलीना के लिए, अलीना को ये वाले पसंद है, मम्मा के लिए भी लिए, अलीना के लिए, दोनों के लिए मैंने लिए। कि सोने के कंगन नहीं मिले ना लोग को तो मसला नहीं होगा, गजरे मिले ना मिले ना ईद पे वो तो मसला, ये पहनाएंगे कैसे हाल तो भैया, तो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं टूटेगा, ये आ गया आ गया इधर तो वाला दो चाहिए, यहाँ पे उन लोगों ने ऑफ लगाया है बड़े पूरी के पास है ना, अब नहीं दिख रहा होगा यार, बड़ा कंफ्यूजन इधर दो। तो भाइयों अभी जो है हमारे घर पे है सुबह से मेहमान, और अभी भी हमारे मामू लोग सब लोग आए हुए घर पे, तो उनसे मिलना मिलना सब चीज़ें करने के अंदर, अलीना अभी चाय बनाई कम से कम सब जो 15-20 बंदों की और सबको पिलाई, तो मतलब 8 लोगों की बनाई, नहीं 10 लोगों की, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ईद के दिन, क्योंकि हमेशा पिछले साल हमारा घर जो वहाँ पे था ना, तो हम लोग उठते थे तो समझो 12 हम लोग का चलता था चिड़ियाघर के अंदर, इतनी आवाम होती थी। इस साल मतलब मेहमान आ रहे ना, खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा कि सब आए, और कल तो सुबह से सारे हमारे घर पे होंगे, तो आप लोग इन्जॉय करें भी इतने व्लॉग। बस इस व्लॉग को मैं अगली ना वो गजरे पहनाऊँ और अगली ना खुश हो जाए, तो उसके बाद एंड करता हूँ व्लॉग। आज का दिन कैसा रहा भाई? ओ मैडम इसको छोड़ो मैं पहना रहा हूँ ऑटो, इधर आओ, आज तो आ गया, अब बताओ आज का दिन कैसा रहा? हाँ भाई ने हाथ में नहीं पकड़ाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उठा लेंगे ताकि वापस ले सके। मसला ये है कि पैसे अलीना के पास रखे होते हैं, क्योंकि समझो उसके पास ये नए नोट वैसे भी मुझे नहीं खर्च करने देगी, नए नोट ऐसा संभाल के रखती है जैसे कोई सोने की चीज़ है ना संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों चलो यार आज के ब्लॉग को बहुत एंजॉय कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, दुआ में याद रखो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो अल्लाह हाफिज़।